वो आपने तय किया। मैं आज इस अवसर पर डॉक्टर अनिल जोशी जी और उनकी पूरी टीम को मैं यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनकी पूरी टीम, जितने भी सहयात्री हैं, और दिया जी का विशेष रूप से कि वो एसडीजी के गोल को प्राप्त करने के लिए लगातार पूरी दुनिया के अंदर उनका काम चलता है। और हम उनसे आग्रह भी करेंगे आज के इस अवसर पर, जब हमारी राज्य स्थापना का आज 22 साल पूरा हो रहा है, आज स्थापना दिवस है, कि प्रकृति की गोद में बैठा हुआ ये राज्य, हिमालय का राज्य, इसमें आपकी जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, जो आप काम कर रही हैं, उसका हमें भी लाभ मिलेगा, हमें भी आपके जो आपकी प्रतिभा है उसका लाभ हम सबको प्राप्त होगा, उत्तराखंड वासियों को प्राप्त होगा। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि पर्यावरण संरक्षण संदेश देने वाली ये यात्रा विभिन्न राज्यों से होकर गुजरी है। कुछ राज्यों में मैंने भी बात करी और मैं लगातार आदरणीय भाई साहब के साथ लगातार मेरा संवाद बना रहा, और मुझे बहुत चिंता थी कि ये यात्रा, मैं भगवान से मैं भी प्रार्थना कर रहा था, ये भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, तो मैं भी प्रार्थना कर रहा था कि ये यात्रा सकुशल हो जाए, ठीक प्रकार से सुरक्षित जो है इनकी संपन्न हो जाए। आज मुझे बहुत खुशी हुई कल जब शाम को जो है आपने मुझे वो भेजा कि हम लोग जो वहाँ पहुँच गए हैं, ऋषिकेश पहुँच गए हैं, गंगा आरती में पहुँच गए हैं, और परसों का आपने बताया कि रुड़की पहुँच गए थे आप लोग, IIT में वहाँ रुके थे, तो बड़ा मन को सुकून हुआ कि इतनी लंबी यात्रा आपने संपन्न कर दी है। और निश्चित रूप से ये यात्रा इकोनॉमी कैपिटल बंबई से शुरू होकर और इकोलॉजी कैपिटल में आज पहुंच गई। आपने पूरे हिंदुस्तान को और सभी को ये संदेश देने का भी काम किया, और इस यात्रा में जहां पर्यावरण के प्रति आपने सभी को जागृत करने का काम, सभी को कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रकृति संरक्षण की भावना जगाने का काम किया, इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। वन संपदा है, पर्यावरण है, हमारी इकोलॉजी है, ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए अकेले आपकी जिम्मेदारी भर से काम चलने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है। 67 साल की आयु में आपने इतना कठिन मार्ग अपनाया, क्योंकि देखिए अपना जीवन तो हर कोई जी लेता है, इनको भी क्या जरूरत थी। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री दिया है, अनेकों अनेकों स्थान पर आप सम्मानित हैं, तो आप साधु ही हैं। कपड़े इन्होंने भले ही गेरुआ नहीं पहन रखे हैं, लेकिन ये साधु से कम नहीं है, मैं तो इनको साधु ही मानता हूं। और इनका जो भी काम है, इनका अपने लिए नहीं है, सब समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, क्योंकि अन्यथा ये भी आराम से बैठे होते, क्यों इतना कठिन जतन करते और हमारे इन नौयुवकों को भी जो है साथ में क्यों दौड़ाते इतना लंबा। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम लोग भी जो है, और विशेषकर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण इस क्षेत्र में आगे आना होगा, और आपके द्वारा जो मुहिम चलाई गई है उसको आगे बढ़ाना होगा। हमारी नई पीढ़ी, हमारे नौनिहाल, स्कूलों के हमारे बच्चे, उन सभी को इस अभियान से जोड़ना होगा। हमारे राज्य में जहाँ गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे महान पर्यावरणविद भी हुए हैं, और अनिल जोशी जी, यह भी हमारे लिए अब प्रेरणा के स्रोत हैं। और आप तो वैसे भी पर्यावरण के प्रहरी हैं, हमारे लिए गौरव विशेष की बात यह है कि समय समय पर ये व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी कार्यक्रम हम चलाते हैं, उन सभी में व्यक्तिगत रूप से मेरा भी मार्गदर्शन करते हैं। और बड़े भाई के नाते सुमन जी, आपका बहुत
और सच बताऊं तो आप में भी कहीं ना कहीं मैं दिल से कह रहा हूं कि ईश्वरीय अंश है इनकी। कुछ बातें ऐसी हैं मैं आज तक कभी इनसे भी नहीं कह पाया, आज इस अवसर पर कह रहा हूं कि बहुत बार इन्होंने मुझे पहले ही कुछ घटनाओं के बारे में बता दिया कि ऐसा होने वाला है, ऐसे आप तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि कठिन समय आएगा, कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। और मैं सच बता रहा हूं कि जब जब ऐसे कठिन समय आया तब तब मैंने देखा कि आपने जो कहा मैं उसमें आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से सबकी शुभकामनाओं से लगातार पास होता चला गया। मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, दिया जी मैं बोलूं तो अभी भाई साहब के बारे में एक घंटा मैं बोल सकता हूं यहाँ पर, लेकिन समस्या क्या है कि आज मैं ये मुझे बता रहे हैं कि जो है कि पीछे से आपको अगले कार्यक्रम में भी जाना है, मैं भूल ही गया था थोड़ी देर, लेकिन मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है। और हम लोगों ने बोधिसत्व जो विचारों की श्रृंखला यहाँ पर प्रायोजित की है, लगातार हम उसको आयोजित करते हैं, 7 से ज्यादा हम ऐसे विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित कर चुके हैं जिसमें अधिकांश में आपका मार्गदर्शन उसमें मिला है हमें। उसके साथ साथ भारत सरकार के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, सलाहकार हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी और विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता प्राप्त की है, विशेषताएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अनेकों अनेकों क्षेत्रों में, उन सभी को हम लोग बुलाते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और विचारों की श्रृंखलाओं में उनके विचारों से हम सीधे सीधे रूबरू होते हैं और उन विचारों के आधार पर हम लोगों ने कोशिश की है कि हम विकास के मॉडल को खड़ा करें। और हिमालयन राज्य जिसमें हम हैं, उन राज्यों के बारे में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, वह भी डॉक्टर अनिल जोशी जी और हमारे प्रमुख महानुभाव उन सब के सानिध्य में आकर हम लोगों ने बहुत सारा संकलन किया है, उसके आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हमने यह लक्ष्य भी तय किया है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हमारे राज्य के साथ लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी हमारी बहनें मुझे बाहर सम्मानित कर रही थी, मेरा स्वागत कर रही थी, तो मैं बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी भारत के प्रथम गांव, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उस दिन हमने कहा कि ये प्रथम गांव है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि अब तो सीमांत के सारे ही गाँव मेरे लिए प्रथम गाँव है। उस गाँव से उन्होंने वोकल फॉर लोकल को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि आपकी कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा जो देश के अंदर चलती हैं, लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए जाते हैं, उन सभी से उन्होंने एक मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा कि मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरा अधिकार है देश के ऊपर, देश की जनता पर, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारी जो बहनें स्थानीय उत्पाद बनाती हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, क्लस्टर के माध्यम से, अन्य जो ग्रुपों के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, कि वो स्थानीय उत्पाद कुल जो धनराशि आपकी उस पूरी यात्रा में खर्च होती है उसका 5% जो है आप स्थानीय उत्पाद खरीदने में भी वो राशि खर्च करें, जिससे कि सभी को जो हमारी बहनें हैं उनको उनके प्रोत्साहन का अवसर भी हम लोगों के सामने होता है। इसके साथ साथ एक इकोनॉमी जो आर्थिकी और वो एक आधार बनती है और बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। और आपके घर में अगर पहले से भी वो उत्पाद रखे हुए हैं तो भी आप खरीदिए, उन्होंने कहा, किसी को आप उपहार में दे दीजिए, फिर से आप ले लीजिए, लेकिन ये काम करिए जरूर। तो इसका हमने उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी हमने इसका विज्ञापन भी लगाया हर जगह पर, लोगों से अनुरोध भी किया है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत धन्यवाद देते हुए, और जो आज स्थापना दिवस है और ऐसे दिन पर हमने आज हमें
आपको सम्मानित करने का भी अवसर मिला है उत्तराखंड गौरव, उससे हमने, चूंकि आपका नाम पिछले साल ही जो है उसमें आ गया था, पिछले साल ही हम लोगों ने जो पांच महानुभावों की जो सूची घोषित की थी उसमें आपका प्रथम नाम था पहले से ही, क्योंकि पिछले साल कार्यक्रम नहीं हो पाया इस प्रकार का, इस बार कार्यक्रम था और आपको सम्मानित करके हम लोग स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपसे चूंकि प्रेरणा लेकर लोग इस समाज जीवन के क्षेत्र में काम करें और भारत के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा उत्तराखंड हर दृष्टि से शामिल हो, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास प्रकृति है, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास देवभूमि है, हमारे पास वनों से आच्छादित वन हैं, पर्वत राज हैं, हर प्रकार का जो एक सौंदर्य हो सकता है वो सौंदर्य यहाँ हो सकता है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी G20 में के लिए बोल रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इज सिंपली हेवन, तो उन्होंने स्वर्ग की संज्ञा दी। तो इसलिए हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, माताओं बहनों के संघर्ष के कारण से हमारे वीर अमर शहीद अमर बलिदानी जिन्होंने इस राज्य को प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उनके संघर्षों के कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ, तो निश्चित रूप से हम उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हम अपना मन से वचन से आत्मा से शरीर से बुद्धि से विवेक से जितना हमारे अंदर दम है हम सब लोग लगाएंगे और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हैं कदम से कदम कंधों से कंधे मिलाकर अगर हम सब चलेंगे तो निश्चित रूप से हम उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। आज के अवसर पर पुनः एक बार सभी को शुभकामनाएं देते हुए और बहुत बधाई देते हुए पुनः डॉक्टर अनिल जोशी जी और उनकी पूरी टीम का अपने हृदय की गहराइयों से यहाँ पर स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए और दिया जी का भी विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से हम सब के भाव को देखकर उनका मन जरूर हो रहा होगा कि हम उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ ना कुछ वो भी योगदान दें, क्योंकि यहाँ तो जो भी किया जाएगा वो सब ईश्वरीय होगा, सब भगवान को समर्पित हो जाएगा। इसलिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जी मेरा निवेदन है